महाराजपुर थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, खनन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। खनन माफिया रजोल निषाद व उनके गुर्गे पुलिस व राजस्व विभाग को दे रहे खुली चुनौती। महाराजपुर थाना क्षेत्र के सरसौल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम डोमनपुर का माजरा दिव्यापुर में खनन माफिया रजोल निषाद पुत्र स्वर्गीय रामविलास निषाद के द्वारा खनन करने का एक नया तरीका निकाला गया। खनन भी होता रहे और जेब भी गर्म होती रहे। खनन माफिया रजोल निषाद के द्वारा बताया गया कि खनन जिंदगी में ना बंद हुआ है और ना बंद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए खनन नहीं बंद करेंगे, चाहे वह बालू हो या मिट्टी, हमसे संपर्क करें। और प्रशासन को खुला चुनौती देता है कि प्रशासन को महीने में पहुंच जाता है और हम प्रशासन को अपनी जेब में रखते हैं। और जिला पंचायत कमलेश निषाद का नाम लेकर बताता है कि जब हम खनन करते हैं तो उनसे पूछकर कर सकते हैं। खनन माफिया रजोल निषाद के साथ ही दउवा निषाद के द्वारा पत्रकारों को घूस देने की बात भी कही कि अगर घूस लेने से इनकार किया तो धमकी भरे शब्द मिले कि आज शाम 5 बजे के बाद फिर होगा खनन और यह सारी गाड़ियां मेरे अंडर में चल रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर में इस खनन माफिया रजोल निषाद व दउवा निषाद के ऊपर राजस्व विभाग व पुलिस विभाग क्या कार्रवाई करता है या उनको इसी तरह मनोबल बढ़ाते हुए खनन करने का आदेश देता रहेगा। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।